उसने नोटबंदी लगाई, तुमने विरोध किया, क्या हुआ? घंटा। उसने सोने पे टैक्स लगाया, तुमने विरोध किया, क्या हुआ? घंटा। उसने एफटीटीआई का चेयरमैन गजेंद्र चौहान को बनाया, तुमने फिर विरोध किया, क्या हुआ? घंटा। उसने विदेश यात्रा की, तुमने विरोध किया, क्या हुआ? घंटा। तुम्हारा पप्पू 2 महीने गायब रहा, तुमने क्या किया? घंटा। वो इसराइल चल जाके आ भी गया और तुम विधवा विलाप करते रहे, क्या हुआ? घंटा। उसने जीएसटी लगा दिया, तुम विरोध करते रहे, क्या हुआ? घंटा। अब चिल्लाते रहो, वो अपने मन की करता जाएगा और तुम्हें क्या मिलेगा? घंटा। एक कहावत है, कुत्ते चाहे संख्या में जितने भी हो, हाथी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बेईमानों की बेईमानी बंद हो गई, बेचारे भौंकने के अलावा आप और कुछ नहीं कर सकते। भौंको जोर से, भौंको शोर से, खम्बा नोचो, विलाप करो, प्रलाप करो, लेकिन तुम जैसों के अच्छे दिन दोबारा अब नहीं आने वाले। कुछ स्टेटमेंट विदेशों के तबाही मचा देंगे अगर चीन ने भारत की तरफ देखा तो। फ्रांस, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका, भारत से पहले हमसे लड़ना होगा। इसराइल, भारत की ओर से लड़ेंगे और तिब्बत को भी भारत में मिला देंगे। भूटान, बीजिंग में घुसकर चाइनीज ध्वज उतार देंगे। ताइवान, हर कदम पर रूस भारत के साथ खड़ा है। पुतिन चचा, अब आई बात समझ में? अरे, ये विदेश नीति एक छोटा सा नमूना है जिसमें भारत ने अपने दो पारंपरिक दुश्मनों को दुनिया से अलग थलग करके बेचारा बना दिया है। बात समझ में आ जाए तो ठीक है, वरना जैसे चल रहा है चुपचाप देखते जाओ बिना खोपड़ी लगाए। और हाँ, ऐसे जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। नाना पप्पू की तरह मसाज कराने नहीं, दुश्मनों की बत्तियां काटने। बदल रहा है मेरा भारत, मैं हूं मोदी के साथ। क्या आप हैं? धन्यवाद। जय हिंद।